हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेफ्स लाइफस्टाइल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि है हमारा सरदुल्ला बतकम्मा सेलिब्रेशन। जैसे कि आपने पहले वीडियो में देखा है, हमारा पहला दिन का बतकम्मा हमने कैसे सेलिब्रेट किया है वो सब मैं उस वीडियो में बताई हूँ। और ये है 9th डे के दिन का सेलिब्रेशन हमने कैसे किया है। और मैं हर जगह जगह की सूरत में हर जगह जगह जहाँ भी बतकम्मा सेलिब्रेट किया है वो सारे कवर करने की कोशिश करी हूँ। तो आप वीडियो में ऐसे ही बने रही है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने घर पे फ्लावर से बतकम्मा को डेकोरेशन किया। और ये है सुमन गंगा का सबसे बड़ा बतकम्मा, जो कि सुरेश अंकल के घर से आया था। तो हमारा बतकम्मा भी रेडी हो चुका है। और ये सारे प्रसादी हम लोग ने रेडी किए थे, 5 टाइप्स के प्रसाद रखते हैं बतकम्मा के लास्ट डे पे। बतकम्मा जो है वो 9 डेज सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कि फर्स्ट डे स्टार्टिंग डे पे अमावस्या के दिन किया गया था, तो दुर्गाष्टमी के दिन सरदुल्ला बतकम्मा यानी सबसे बड़ा बतकम्मा सेलिब्रेट किया जाता है, लास्ट डे है करके बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप देख सकते हो अब हम लोग रेडी होके निकल गए। देखो हमारे सोसाइटी के गेट से आए हम लोग निकल गए। ये सुरेश अंकल का घर, इनका घर से आया है बतकम्मा। और यही सुमन गंगा का सबसे बड़ा बतकम्मा था।
पूरे वीडियो में देख सकते हो, मैंने जगह जगह की वीडियोस कलर की है। आगे शिव पार्क में कैसे सेलिब्रेट किया गया है वो देखेंगे हम। तो अब हम आ गए हैं सजानंद बतकमा यानी सजानंद के एरिया में, कैसे सेलिब्रेट किए गए हैं वो देखेंगे अब हम। మొత్తం వచ్చే ఆంటీ పాట అది కూడా ఎవరైనా ఒకరు వచ్చింది हमारा
down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.
వాళ్ళ అందరూ ఒక పక్క పెట్టాలి, మన మధ్యలో పోవాలి, వాళ్ళ ఒక సైడ్ కానీ. तो ये वीडियो बस इतना ही. आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा. तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.